से आइए एकदम स्पीड से चढ़ाइए ऊपर, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। चढ़ गए पहली बार आ रहे हो नैनीताल में तो लोकल्स के चक्कर में पड़ जाना। वीकेंड के टाइम पे आप देख लो कितनी भीड़ है। अपनी गाड़ी से ऐसे प्लान कर रहे हो कि आप बार बार जो है खड़ा करोगे। फुल चार्ज भी नहीं हुई है, मैंने दोबारा जो है गाड़ी चार्जिंग पे लगाई है। एक बार आप देखो दोबारा से चीज, अगर आपकी बैटरी फुल चार्ज है 100%। गूगल मैप का भी अलग ही डोर है, यहाँ से जाना था। देखते हैं कितनी बैटरी कंज्यूम होती है हमारे 50 किलोमीटर को कवर करने के लिए। तैयार वगैरह हो रखे हैं, देखो कपड़े वगैरह चेंज हो चुके हैं और जा रहे हैं माल रोड। थोड़ा बहुत भूख वगैरह भी लग रही थी तो देखते आते हैं कुछ खाएंगे पियेंगे वहाँ पे। और आपने पहला एपिसोड तो देख ही लिया होगा, ये दूसरा आपको एपिसोड जो है इसमें देखने को मिलेगा, आप इसे दूसरा व्लॉग भी बोल सकते हो। मैं आपको रूम वगैरह नहीं दिखाया था, वो आपको मैं जब लौट के आऊंगा वो तब दिखाऊंगा। और चार्जिंग को इसको जो है रात में लगाएंगे। चार्जर भी नहीं दिखाया था, वो भी मैं आपको जो है अभी यहाँ से माल रोड से लौट के आते हैं अपना जो भी थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह लेने, उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ों का जो अपडेट देने वाला हूँ। तो मैंने कहा अभी पहले आपको बता दूँ कि हम कितने बजे जो निकले हैं, आप टाइम वगैरह और बैटरी परसेंटेज वगैरह सारी चीज़ एक बार देख लो। अभी फिलहाल 6:13 हो रहे हैं और गाड़ी हमने जो टोटल ड्राइव करी है वो 310 किलोमीटर जो है चला लिया अपने घर से। और अभी फिलहाल बैटरी परसेंटेज जो है 28% जो है लेफ्ट रह रखी है, बट यहाँ पे जो है इजीली चार्ज हो जाएगी हमारी रात भर में अगर लगा देंगे तो कल हमें कोई ऐसी दिक्कत आएगी नहीं। बाकी मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ लौट के आते हैं और क्या क्या खाएंगे वो सारी चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। वैसे हमारे शॉपिंग वगैरह का कोई ऐसा शौक है नहीं कि हम माल रोड वगैरह पे शॉपिंग वगैरह करें, क्योंकि कई बार जो है हम आ रखे हैं यहाँ पे। बट बाकी आगे चलते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको सारी चीज़ें। वीकेंड के टाइम पे आप देख लो कितनी भीड़ है माल रोड पे, पूरा चारों तरफ पब्लिक ही पब्लिक आपको देखने को मिल जाएगी। और दिन में कोशिश करूंगा एक बार आपको दिखाऊंगा पूरा व्यू, मतलब साफ सुथरी अभी तो फिलहाल फील हो रही है, इतनी ज़्यादा कुछ विजिबल भी नहीं है। और भीड़ तो भाई बहुत सारी है वीकेंड के टाइम पे, आज सैटरडे है ना तो इस वजह से, वैसे अगर वीकडे वगैरह पे आओगे तो इतनी ज़्यादा हो सकता है भीड़ वगैरह ना मिले। गाड़ी पार्क करी थी हमने यहाँ पे, पार्किंग स्पेस है, चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। अगर आप अपनी गाड़ी से ऐसे प्लान कर रहे हो कि आप बार बार जो है खड़ा करोगे तो डेफिनेटली आपको पार्किंग के चार्जेस बहुत ज़्यादा पे करने पड़ सकते हैं। उसके अलावा हमने डिनर वगैरह जो कंप्लीट कर लिया, मैं एक बार टाइम दिखाऊँ आपको। पता नहीं ये वॉच में क्या दिक्कत है, बोट की वॉच है, कभी दिखाती है कभी नहीं दिखाती है। तो अभी आप देख लो 7:47 के आसपास हो रहे हैं और आप जो है निकलते हैं अपने होटल की तरफ और इसको लगाएंगे चार्जिंग में। अभी मैं आपको टाइम दिखाता हूँ, आप एक बार टाइम देखो, अभी फिलहाल हो रहे हैं 10:18 और गाड़ी हमने जो है चार्जिंग पे लगाई है। 26% चार्ज थी चार्जिंग में, आपको बताऊँ इतना परेशानी जो है करनी पड़ी है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो गाड़ी लगी कैसे हुई है, ये आप देखो जहाँ पे हमने जो चार्जिंग वगैरह पे लगाई है यहाँ से ऊपर चढ़ाई है इतनी ऊंची से, अगर आपको थोड़ा बहुत दिख जाए थोड़ा सा सुबह। बाकी मैं चेकआउट करा दूंगा आपको, किसकी वजह से करना पड़ा है मैं आपको दिखाऊँ। ये जो स्विफ्ट आप देख रहे हो इसकी जो है चाबी खो गई थी, इसकी वजह से जो है चार्जिंग इतनी लेट हो गई, बट जैसे तैसे करके जो है गाड़ी यहाँ पर चढ़ाई है। और चार्जर मैं आपको दिखाऊँ तो चार्जर आप यहाँ पर देख ही सकते हो उसका, ये आपको होटल वगैरह का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन वगैरह में मेंशन कर दूंगा। अगर आप आ रहे हो और नैनीताल वगैरह का प्लान बना रहे हो घूमने का तो देखो आपको मेहनत ज़रूर से करनी पड़ेगी। ये भी कि सुबह से लगा लो 10 जब से यहाँ आए हैं तब से वेट कर रहे हैं, ये वाला बंदा जो है चाबी अपनी पता नहीं कहाँ खो गई उसकी, कहाँ गिर गई, तो चाबी लेने गया है दिल्ली से, दिल्ली नंबर वाली स्विफ्ट है, इसकी वजह से जो है हमारी गाड़ी यहाँ पर नहीं आ पा रही थी। तो फाइनली मेहनत करने के बाद जो है गाड़ी कट्टे वगैरह लगा के जो है ऊपर चढ़ाई है, टंकी वंकी हटाई, तब जाके इस तरीके से जो है गाड़ी चार्ज हो रही है। बाकी मैं आपसे सुबह मिलूंगा कितने रुपए की चार्ज वगैरह होती है, तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको अपडेट वगैरह देता हूँ। रूम का टूर भी सुबह ही दूंगा, अभी रूम थोड़ा सा गंदा है, बाकी सुबह मिलते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हमारा नेक्स्ट डे आज, और मैं अब आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी हमने कैसे चार्जिंग पे जो लगाई थी। बाकी रूम तो कुछ खास है नहीं, रूम में दिखा दूंगा जैसे मैंने आपको बताया था, रूम नहीं दिखाया था, बट मैं दिखाता हूँ आपको एक और चीज। अब आप देखो हमने गाड़ी कहाँ पे चढ़ाई है, मतलब यहाँ से कट्टे वट्टे लगा के, और अभी फुल चार्ज भी नहीं हुई है, मैंने दोबारा जो है गाड़ी चार्जिंग पे लगाई है। अगर अभी चाबी अंदर है बट मैं फिर भी वहाँ से दिखा देता हूँ आपको चार्जर वगैरह में, थोड़ा स्लो चार्जर है बट आई थिंक मुझे लगता है इसे मैंने लगाई थी 400 के आसपास की, पैसे वैसे ख़त्म हो गए होंगे इस वजह से बंद हो गई, फिर मैंने दोबारा लगाई 150 की। एक बार आप देखो दोबारा से, आई थिंक 90 थी, मैंने उनको बोला मैंने देख के भाई कितनी चार्ज हुई है कितनी नहीं हुई, बाकी बहुत मेहनत लगी इसको चढ़ाने में। तो आज अभी तो फिलहाल चेकआउट वगैरह करेंगे यहाँ से और देखते हैं क्या का प्लान है, कहाँ चलते हैं, 2-3 जगह फाइनलाइज करिए यहाँ पे जाना है। मेरे से पहले तो ये उठ गया था, बाकी हमने हालत रूम की ख़राब कर दी, ज़्यादा कुछ खास रूम है नहीं।
टॉयलेट में आपको दिखाऊं, कोई खास ज्यादा है नहीं, छोटा है, डिसेंट, प्राइसिंग भी ज्यादा नहीं। अगर आप मिरर वगैरह देख लो, आप बुलवा देता यार तू। मैं बता रहा था हाँ, रूम की कॉस्ट देखो, रूम अगर वीकेंड वगैरह पे आओगे तो ये थोड़े बहुत चार्जेस एक्स्ट्रा कर लेते हैं। गन बता दिया कितने रुपए का रूम पड़ा है हमें भाई, हमें पड़ा है 1800 का। 1800 रुपये वैसे रूम कितने का देते भाई? समथिंग 1300-1400 और चार्जिंग आपको मिल जाएगी। और आप आना चाह रहे हो, होटल कहाँ पे है? भाई होटल है नैनीताल में, वैसे तो नैनीताल के पीछे लेक के पीछे वाली साइड में है, लेकिन होटल का नाम है अरोमा होटल करके कुछ। अरोमा होटल आप गूगल पर डाल लेना, आपको मिल जाएगा सारा। वहाँ पे चार्जिंग वगैरह आप आराम से कर सकते हो अगर आप ईवी से प्लान कर रहे हो। तो यहाँ से निकलेंगे, अभी नाश्ता वगैरह का प्लान बनाते हैं, देखे कहीं यहाँ करेंगे या आगे चल के करेंगे। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट, कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, सब कुछ बताएंगे। आज का दिन बहुत एक्साइटेड होने वाला है, तो चलो बाकी व्यू वगैरह आपको एक बार दिखा। ये चीज आप देखो, देखो ठंड तो है यहाँ पे, टेम्परेचर ऐसा लगा लो 10 डिग्री के, 7-8 डिग्री के आसपास होगा। बाकी लोकेशन भी अच्छी है, यहाँ पे होटल है, बट होटल की एमिनिटीज वगैरह ज्यादा कुछ खास नहीं है। आप अगर वैसे हो थोड़ा सा क्या प्रीमियम वगैरह में रहना चाहते हो, तो देखो आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या तो आप चार्जिंग को वो देख लो, गाड़ी यहाँ पे लगा के जाओ, और या कहीं और देखो, तो वो उस हिसाब से आप अपना जो प्लान बना सकते हो। फाइनली देखो रेडी हो चुके हैं, कपड़े वपड़े चेंज और अपना लगेज वगैरह सारा पैक। एक जैकेट एक्स्ट्रा निकाल रही है, अगर कहीं शाम के टाइम पे ठंड वगैरह लगे उसको जो है यूज़ में ले लेंगे। बाकी अपना लगेज वगैरह सारा रेडी है, गन बाहर है। और बैटरी का इन्फॉर्मेशन बताऊँ थोड़ी सी, बैटरी के रिलेटेड, तो एक बार दिखा देता हूँ कितनी जो है चार्ज है। वैसे 1-2% ही रह गई है, मैंने देखी थी 100 होने में बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो 99% है, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। और रेंज वगैरह आप देख लो, आज पता नहीं रेंज क्यों कम दिखा रही है ये थोड़ा सा, या तो मैंने हो सकता है जो उसका रीसेट कर देते हैं ना वो ट्रिप पे, ट्रिप भी उसके बेसिस पे जो है कैलकुलेट कर रही हो। बाकी तो चलेगी, कितना मैं आपको एक्जैक्ट बता ही दूंगा, बट हम सबसे पहले अपना जो लगेज है वो इसके अंदर फिट कर देते हैं। रख तू, तेरा तो पीछे रख देंगे, मैं अपना ये वाला रख दे रहा हूँ बैग यहाँ पे आराम से, तो इसको यहाँ पर रखते रहे, और वो मेन लगेज है उसको और लेके आऊँ। थोड़ा यहाँ पे जगह भी नहीं है, कोशिश करते अगर फिट आ गया तो ठीक है। और तेरे ये रह गए हैं, ये कलर है इसका, इसको लेके चलते हैं, कोशिश करते हैं देखो फिट आ जाए। अगर फिट आ गया तो फिर यहीं पे रख देंगे सारा लगे, जब तक बैटरी जो है चार्ज हो जाएगी। फुल चार्ज नहीं हो पाई थी, नहीं तो रात भर में अगर फुल चार्ज हो जाती तो टाइम वेस्ट भी नहीं करना पड़ता। बाकी एक बार ट्राई करके देखते हैं इसको, अगर खुल जाए तो ये यहाँ पे जो है फिट हो रहा है। अगर मैं इसको निकालूंगा या गाड़ी को पड़ाऊंगा तो ये जो है डिस्कनेक्ट भी हो जाएगा। अभी दिखाऊँ मैं आपको एक बार एग्जैक्ट, तो इसके बारे में एक बार देख लो, तो ठीक है, बस थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा, इसको चार्ज कर लेते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। 99 ही अभी है फिलहाल, अपनी गाड़ी जो है फुल चार्ज हो चुकी है। और मैं आपको टाइम वगैरह दिखा देता हूँ, 11:20 हो रहे हैं, यहाँ से निकलते हैं और चलो डालते हैं इसको ड्राइव में और लेते हैं भगवान का नाम और चलते हैं यहाँ से। आपको सामने वाली क्लिप भी देखने के लिए मिलेगी, तो ईजीली। और आगे कहाँ जा रहे हैं वो आपको प्लान में बताता हूँ मैं, पहले यहाँ से निकल लेते हैं। चलो जी, एक छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको कल परसों में, अगर आपने वीडियो देखी होगी पूरी एग्जैक्ट, तो मैंने वहाँ पे बताया था कि रीजर्नेशन से देखो अगर ढलान पे जा रहे होते हैं तो बैटरी वगैरह और ब्रेकिंग की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। वही सेम चीज़ अगर आपकी बैटरी फुल चार्ज है 100% तो रीजर्नेशन वगैरह जो है काम नहीं करता है। जबकि मैंने देखो जो है इसको फुल लेवल पर कर रखा है, 3 लेवल्स आते हैं इसके अंदर, बट ये जो है काम नहीं कर रहा है, आपको ब्रेक ही लगाने पड़ेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं ऐसी। अगर वैसे तो देखो हो भी नहीं सकता है, अगर रीजनरेशन का वही मेन है कि वो बैटरी में स्टोर ही कहाँ करेगा, अब जगह ही नहीं है स्टोर करने की एनर्जी को, तो वही चीज़ है। तो ये हमारा पहला स्टॉपेज है जहाँ पे हमने लिया है, ये पता नहीं कौन सा पीक व्यू है, स्नो व्यू कुछ करके ऐसे नाम है, और गाड़ी हमने यहाँ पे पार्क कर दी है। एक आध फोटो लेते हैं फिर निकलेंगे, उससे पहले गाड़ी चला के लेके आया गगन। गगन भाई एक्सपीरियंस बताओ ईवी का। भाई एक्सपीरियंस अभी ना थोड़ा सा एडेप्टेड करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं पहली बार मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ उस गाड़ी का। पर पहाड़ पे मजा आएगा नहीं? हाँ, मतलब स्मूथ चल रही है एकदम बढ़िया। भाई साहब कई कई जगह तो ऐसा, कई गाड़ियाँ जो क्लिच व्लिच छोड़ के जो बंद हो जाती हैं, इसमें कोई झंझट ही नहीं है ऐसा। बाकी तो व्यू आप देख ही सकते हैं, मैं जूम करके दिखाऊँ। पर यहाँ पे मुझे उत्तराखंड और या फिर नैनीताल वगैरह की थोड़ी सी जो अच्छी चीज़ नहीं लगती वो यार यहाँ पे, मतलब जब तक बर्फ़ ना दिखे ना तब तक मज़ा ही नहीं आता।
बाकी इस पॉइंट का तो हमें नाम भी नहीं पता, बट रुक गए सब लोग, रुके हुए हैं, फोटो वोटो वहाँ पे खिंचा रहे हैं। और अभी हमने ब्रेकफास्ट वगैरह भी नहीं किया है, उसके लिए और रुकना है। और जो टेम्पल वाली बात मैं आपको बता रहा था, वो यहाँ से 6.5 किलोमीटर और रह गया है। तो पहला पॉइंट पड़ा था, मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ, ऐसे आप कहीं से भी देख सकते हो। और अगर आप पहली बार आ रहे हो नैनीताल में तो लोकल्स के चक्कर में पड़ जाना। हम देखो कहाँ पे एंट्री ले ली थी सैनिक स्कूल में, बट रास्ता गूगल मैप का भी अलग ही डोर है, यहाँ से जाना था और देखो उसने देखो स्कूल में घुसवा दिया। अब गाड़ी हमें बैक करके लेके आनी पड़ेगी, तब जाके फिर इधर से जाएंगे। गूगल मैप भी कभी कभी ड्रामे ही कर देता है, बट खैर कोई नहीं, चलो बची गए। उन्होंने रोक लिया और पूछ लिया कि कहाँ जा रहे हो, क्यों एंट्री, क्योंकि हमें खुद लग रहा था ये स्कूल में कहाँ एंट्री दिलवा रहा है। उसमें हमने सोचा हो सकता है कि बीच में से रास्ता जा रहा हो, बट जो मेन रास्ता है वो ये वाला है, यहाँ से बस 1.2 के आसपास किलोमीटर दिखा रहा है, जो कि यहाँ पे टेम्पल जो मैं आपको बता रहा था वो टेम्पल जस्ट पहुँचने ही वाले हैं। बाकी मैं पहुँच के दिखाता हूँ वहाँ पे क्या क्या चीज़ है, वैसे मैंने सुना ही है उसके बारे में, एग्जैक्ट तो देखो मुझे भी नहीं पता। बाकी इसको टाइम कैसे लग रहा है मैं देखता हूँ एक बार। चलो भाई गूगल मैप कहीं भी घुसवा देता है भाई यार, ये तो है। तो यहाँ क्या है, ये तो स्कूल है, सैनिक स्कूल जो उसका होता है आर्मी वगैरह का। वो मुझसे पूछ रहे कि कहीं बच्चे को तो लेने नहीं आए हो, पापा ऐसे लग रहे थे ना तुम। चलो भाई फिलहाल हमने पार्किंग में लगा के दर्शन कर आए, ऊपर बिल्कुल नहीं गए भाई, ऊपर बहुत ज्यादा लाइन लग रही है उस दर्शन करने की। और साथ में आप अगर आते हो तो टाइम से आओ भाई, हम थोड़ा लेट हो गए। अगर आप सुबह 8-9 बजे के आसपास आ जाओगे तो आरती वारती भी देखने के लिए आपको मिल जाएगी। और जो लेक है मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखो यहाँ से लेक भी दिख रही है नैनीताल वाली। अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊँ ये चीज़ आप देख लो। अब प्लान ऐसा है, हमने दर्शन तो बाहर से ही कर लिए और अब हम जो है ब्रेकफास्ट करते हैं पहले, फिर हम डिसाइड करेंगे कि आगे कहाँ जाना है, क्या करना है, वो चीज़ अब जो है हम ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है डिसाइड करेंगे। यहाँ से मुड़ते हैं गाड़ी को, ओ भाई नैरो स्पेस बहुत ज्यादा है यहाँ पे, तो एक बार और देख लेता हूँ मैं पीछे। यहाँ पे भाई छोटी गाड़ी काम है, भाई बड़ी गाड़ी तो बहुत ज्यादा जो है दिक्कत देती है। चलो मोड़ते हैं और निकलते हैं, देखते हैं क्या आगे का रहता है। तो हमने मंगाए हैं ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे, चाय और अपना प्लेन दही, तो भूख भी लग रही थी, इसको कंप्लीट करते हैं। और अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कि आगे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ भी जाएंगे बता दूंगा मैं आपको, अभी तक सोच ही रहे हैं कि कहाँ जाएंगे। वहाँ से तो निकल लिए और अपना डिसाइड जो है फाइनल हो चुका है, हम जा रहे हैं फाइनली रानी खेत। और यहाँ से दिखा रहा है आप डिस्टेंस वगैरह देख लो, 50 किलोमीटर। और देखो चढ़ के इस तरीके से ऊपर आए थे और इस तरीके से ही वापस जा रहे हैं इस रोड से। पैस थोड़ा टूटा हुआ है इसलिए देखो ये लोकेशन वगैरह दिखा भी नहीं रहा है, गूगल भी कभी कभी कन्फ्यूज ही हो जाता है इसमें। और पता नहीं मेरी थोड़ी हालत जो है थोड़ी सी टाइट हो चुकी है, बट फिर भी कोशिश करेंगे वहाँ तक पहुँच जाएं। चलो आगे जैसा रहेगा मैं आपको अपडेट दूंगा। और आप जब तक बैटरी वगैरह दिखाऊं तो 91% है और टोटल गाड़ी चल चुकी है 332 किलोमीटर। रेंज दिखा रही है 146 सॉरी, और जो एनर्जी यूज़ कर रहे हैं वो हम 130 आई थिंक, ये मैंने रीसेट नहीं करी थी उस वजह से जो है थोड़ा दिखा रही थी। बाकी तो देखते हैं कितनी बैटरी कंज्यूम होती है हमारे 50 किलोमीटर को कवर करने के लिए। और अब डायरेक्ट जाएंगे वहाँ पे, कोई भी रुकने वुकने का बीच में विचार नहीं है। मैं आपको अभी ईवी का एक ऐसा फीचर दिखाता हूँ, मतलब मल्टीपल ओपिनियन है, मैं दिखाता हूँ एक फीचर, आप बताना पेट्रोल डीजल क्या गाड़ियाँ कर सकती हैं। आपने अगर स्टार्टिंग में देखा होगा हम लोग निकले थे 50 किलोमीटर जब ये दिखा रहा था, अब ये 41 दिखा रहा है, यानी कि हमने 9 किलोमीटर कवर कर लिए हैं। और उस टाइम पे बैटरी परसेंटेज थी 91 और अब आप देख लो 92% बैटरी चार्ज हो चुकी है। क्या पेट्रोल गाड़ी में दोबारा पेट्रोल भर सकता है, या सीएनजी गाड़ी बाई फ्यूल और पता नहीं क्या क्या नहीं आ रहे, क्या मैच हो सकता है इस चीज का। अब ये उन लोगों के लिए सवाल है जो लोग पेट्रोल और ईवी को जरा कंपेयर करते हैं ना, अब आप खुद बताना। अभी तो ये 93-94 भी जाएगी, अब देखो ढलान कितनी अच्छी खासी है, मैं जब 95 हो जाएगी अब तब मिले। एक चीज देखो, अभी हम जो है रानीखेत के लिए जा रहे थे तो बीच में पड़ा है, आपको अगर पता हो किसी को भी, बट मैं बता देता हूँ, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, ये जो है नीम करौली बाबा का मंदिर है ना, तो जो कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा फेमस डेस्टिनेशन है, उनमें देखो लाइन आप देख सकते हो, हमने बस दूर से ही दर्शन कर लिए हम इतनी लंबी लाइन में, या तो आप टाइम से आओ, बहुत भीड़ है। अगर थोड़ा सा और बताऊं, जो एप्पल के सीईओ या गूगल के जो सीईओ हैं वो यहाँ से होके जो गए ना, है ना ऐसे कुछ है ना, वो भी यहाँ पे आए हैं, मतलब इतनी लंबी लाइन लग रही है, किलोमीटर से ज्यादा लंबी लाइन है और कार पार्किंग भी बहुत लंबी है। बट हम कभी और आएंगे दर्शन करने, आएंगे जरूर,
प्लान हमारा नहीं था, वो तो एकदम रैंडम हमें एकदम ऐसी लोकेशन मिल गई जिससे अगर हम लौटते हुए आएंगे तो अगर शायद हो सकता है हम दर्शन करते हुए जाएं यहां से। हाँ ऐसा देख लेंगे, अगर लौटते हुए रानीखेत से आए तो दर्शन जरूर कर लें। बाकी जैसा रहेगा मैं आपको बताऊंगा। अगर आप में से कोई भी आ रहा है नैनीताल तो आप जरूर से यहाँ पे आ सकते हो। एंट्री देखो यहाँ से है, इतनी भीड़ है नीचे के जिसकी कोई हद नहीं, मतलब इतने लोग आए हुए हैं फिलहाल, मतलब हेड्स ऑफ यार इस चीज के लिए। तो और उसके अलावा आप बैटरी परसेंट देख सकते हो, मैंने आपको दिखाई थी 92 पे और गाड़ी चार्ज हो चुकी है 93%। तो ये है कमाल रीजनरेशन का। अगर आप ईवी लेके आ रहे हो तो इस तरीके से आपके पैसे और साथ में चार्जिंग दोनों बचेंगी और आप यहाँ पे आ ही सकते हो अगर आप दर्शन करना चाहते हो। हमारे पास थोड़ा सा टाइम का कमी है, हमें एक दो जगह और जाना है उसकी वजह से, और साथ में लाइन आप देख सकते हो। आप जल्दी आओगे तो आपका नंबर जल्दी आ जाएगा दर्शन होने का, अदरवाइज बहुत टाइम जो है लग सकता है। तो देखते हैं अगर लौटते में टाइम बना तो ज़रूर से आएंगे यहाँ पे। बाकी पूरा जो ओवरऑल एरिया है पूरा इनके वजह से ही फेमस है, बाकी देखते हैं। इतनी माता बच्ची करने के बाद पहली लोकेशन मिली है, गाड़ी मैंने वहाँ पे लगाई है एकदम अंत में, और ये है रानी झील। अगर आप रानीखेत आ रहे हो तो बाकी इसमें बोट चलाएंगे, बोट चलाने में अलग ही स्वाद आता है। एक ये बंदा पूरे रानीखेत लेके ही आया, मैं मना कर रहा था कि भाई कुछ नहीं है रानीखेत में, बट फिर भी माना ही नहीं। ये एक सिंपल एक बोट है क्या? ओ भाई यहाँ पे तो फिश वगैरह भी है। इसके चार्जेस वगैरह हैं क्या बोट के? हाँ। कितने रुपए? 150। टिकट घर पे पता करो, इसको बाद में करेंगे, अंदर बीच में चल के करेंगे। बोट एक ही हमारी लौती बची हुई है। तो मिल गई अपनी बोट और आज हमें इस बोट के पायलट, वो निकलते ही इसका फोन निकल जाता है सबसे पहले। ये रहा इसका हैंडल और पैडल मारना है और ये अपनी बोट इस तरीके से। हमने नैनीताल में भी चलाई थी और एक जगह कहाँ चलाई थी? मसूरी में। भाई साहब बोट चलाने में जो स्वाद आता है ना, साथ में फिश भी देख लो। अगर आपका मन करता है बोट चलाने का तो आप डेफिनेटली यहाँ पे आ सकते हो, बहुत मजा आ जाएगा। 100 रुपये लिए इस चीज की, अगर आप कॉस्टिंग पूछोगे पर्ची की तो दो जनों के लिए 100 रुपये चार्जेस हैं अभी फिलहाल। आगे पीछे बड़े बड़े जाए तो कह नहीं सकता मैं। तो निकल रहे हैं यहाँ से हल्द्वानी के लिए, टाइम मैं आपको दिखा देता हूँ। 4:02, नेटवर्क भी बहुत ज्यादा जो खराब आ रहे हैं, जो गूगल मैप्स है वो भी काम नहीं कर रहा है। चलो जी अब यहाँ से निकलते हैं। हमारा प्लान है कि अब हल्द्वानी पहुंचे, हल्द्वानी में स्टे करेंगे और हल्द्वानी में एक दो काम है जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, वो निपटाना है। बेसिकली शूट का काम है, उसको निपटाएंगे। अब जैसा रहेगा मैं आपको बताता हूँ, पहले तो सीट बेल्ट डाल लेते हैं। यहाँ से किलोमीटर्स वगैरह कितने हैं वो जब नेटवर्क वगैरह आ जाएंगे तब मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ भाई सुन ली, लगा रहे हैं तीन, ऐसा है मैं आपको दिखा देता हूँ। गूगल मैप्स वगैरह मैंने लगा लिया है और आप देख लो कितने बजे पहुंचेंगे, कितने घंटे की ड्राइव है, टोटल किलोमीटर 83 कवर करने हैं और जो बैटरी चार्ज है वो 65% यहाँ पे दिखा रहा है और टोटल गाड़ी जो हमने चला ली है वो 387 किलोमीटर जो है ड्राइव कर ली है। एग्जैक्ट एस्टिमेट वगैरह जो है मैं इसकी लास्ट वाले वीडियो में बताऊंगा आपको कि कितना जो है मैं इसमें जो है खर्चा हुआ है चार्जिंग वगैरह में और टोल वगैरह कितने लगे हैं। कितने परसेंट में हम नीचे पहुंच जाएंगे ये देखने वाली बहुत जो है इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है कि क्योंकि ढलान अच्छी खासी है। वो जो 25 किलोमीटर का पैच है जो कि नैनीताल से हल्द्वानी के लिए वो भी ढलान पे है और मोस्टली ये वाला जितना भी एरिया है वो भी आपको ढलान पे ही देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कितना परसेंट, आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ। 65% जो है गाड़ी चार्ज है और जो रेंज दिखा रही है वो 115 किलोमीटर की दिखा रही है। और कितने बजे तक पहुंचते हैं, क्या रहता है आगे का, सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ओके यहाँ पे और मैं आपको टाइम दिखाऊँ, अभी ज़्यादा कुछ तो कवर किया नहीं है। 4:18 हुए हैं, मैंने आपको एग्जैक्ट टाइम दिखाया होगा जब हम वहाँ से निकले थे। तो चाय की टपरी मिल गई है, चाय पी रहा है। खैर उससे अलावा मैं आपको बताऊँ अभी क्या हुआ, लगभग रीजनरेशन 3 में थी गाड़ी और ये आप देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ। देखो टायर के निशान, मतलब रीजनरेशन बोर्ड में थी, यहाँ से जैसे ही ब्रेक लगे देखो दूसरा मतलब जंप जो गाड़ी ने यहाँ खाया, बहुत ऊँची उठ गई। पर स्टेबिलिटी में भाई मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद है ना ईवी में, दो चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद है, एक इसके सस्पेंशन और दूसरा इसके अंदर जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग आती है ना, और अपना एक ये लगा के चलो जो इसके अंदर वो भी आता है अपना स्टेबिलिटी प्रोग्राम,
ये तीन चीज इस गाड़ी को इतना बढ़िया बना देती है ना हिल ड्राइविंग के लिए। अगर आप में से किसी के पास ईवी है या अगर आप प्लान बना रहे हो या अगर प्लान भी नहीं है टाटा के शोरूम पे जाकर टेस्ट ड्राइव लेना टियागो ईवी की, आप डेफिनेटली अगर फैन नहीं हो गए नॉर्मल गाड़ी के कंपैरिजन में तब आप बता सकते हो मुझे कि मैं झूठ बोल रहा था। तो ये चीज आपको यहाँ पर बहुत बढ़िया फील होने वाली है। मैं सोच रहा हूँ रूफटॉप कैंप करने का, ऐसी लोकेशन पे छत पर रूफ वगैरह लग जाए तो कैसा लगेगा आप कमेंट में बताना। ईवी के साथ हरी नंबर प्लेट और ऊपर से रूफ टॉप आप कमेंट में बता सकते हो अगर हम नेक्स्ट ट्रिप वगैरह ऐसे कुछ प्लान करें। वैसे मेरी है प्लान बट इस चीज के लिए आप खुद बताना। भाई देखो बॉल कहाँ से लेके आ रहा है, मतलब क्या खतरनाक ट्रेनिंग देख रहे हो, बंदा नहीं लेके आ पाए और देखो क्या ट्रेनिंग दे बेटे, खतरनाक बॉल इन्होंने ऐसे ऊपर मारी और देखो ये फिर से ले आया। फाइनली माल रोड पहुंच गए, ये आप दिख भी रहे होगा मैप में, और हमें जो है स्लाइड कर्व हो जाना है हल्द्वानी के लिए। और टाइम वगैरह आप देख लो, अभी फिलहाल जो है 7:45 में पहुंचाएगा, 44 किलोमीटर अभी फिलहाल रह रहे हैं। और जो बैटरी की कंजप्शन वगैरह है वो एक बार आपको दिखा देता हूँ, देखो 37% अभी फिलहाल बची हुई है और 443 किलोमीटर हमने जो है ड्राइव कर चुके हैं। और जो किलोवाट पर जो एनर्जी यूज हो रही है वो एक बार आप देख लो, 26 के आसपास। फोकस एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, अब आप देख लो एक बार। और रेंज वगैरह भी 61 के आसपास दिखा रही है, बट अब जो यहाँ से रास्ता है हल्द्वानी के लिए वो उस पर जो है ढलान है अच्छी खासी, तो हो सकता है बैटरी वगैरह चार्ज हो जाए, कितने पे होगी कितनी नहीं होगी वो मैं आपको दिखाऊंगा। टाइम दिखाऊं, टाइम मैं आपको दिखा देता हूँ, टाइम देख लो 6:09 फिलहाल हो रहे हैं। तो जी चलते हैं अपना, ये वही रास्ता है जिससे हम जो है आए थे, निकलते हैं यहाँ से और भैया गुड बाय कर देते हैं नैनीताल को, फिर कभी हो सकता है आएंगे। हमारा शायद 5वां या 6वां बार है कि हम जो है नैनीताल आ रहे हैं, इतनी बार आ चुके हैं और ज़्यादा भी हो तो याद भी नहीं है, कई टाइम से बहुत पहले आई थिंक 2016 में सबसे पहली बार आए थे स्कॉर्पियो से, तब से आ रहे हैं यहाँ पे आप लगा लो, इतनी बार आ चुके हैं फिर दोबारा आ जाते हैं। सेम हाल हमारा मनाली का है, मनाली भी हम इतनी बार जा गए 10-15 बार चले गए, पर घिस पिट के कहाँ चलना है मनाली, कहाँ चलना है मनाली, ऐसे चलता रहता है। अब आप बताओ अब कहाँ जाना चाहिए हमें। मनाली अपना होटल जो है फाइनल हो चुका है और देख लो एक बार गाड़ी कितनी जो है चल चुकी है, 35% जो है बची है और गाड़ी को लगाने जा रहे हैं पार्किंग में। एक बार टच हो गई तो कोई फायदा है, सो चलते हैं इसको लगाते हैं और मैं आपको रूम दिखाऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो इस वीडियो में तो यही था, पहुंच तो टाइम से गए थे बट अभी फिलहाल देखो 9:19 हो रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लग गया, एक जगह थोड़ा सा कुछ फास्ट फूड टाइप का कुछ खाने गए थे, बाकी पार्किंग इनकी यहाँ पे है भाई देख लो ऐसी। मैं सुबह और आपको अच्छे तरीके से दिखाऊंगा।